हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज़ नए वीडियोस अपडेट करते हैं। अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोज़ नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। जाने किस महीने में की गई शादी होती है सबसे खास राशि अनुसार। कहते हैं शादी के जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं और शादी के बाद होने वाला अच्छा या बुरा सब उनकी किस्मत से जुड़ा रहता है। ज्योतिष की गणना अनुसार हमारा जन्म 12 राशियों के मुताबिक होता है। जिस प्रकार से जन्म लेते ही बच्चे की गणना जन्मतिथि, समय एवं नक्षत्र को आधार बनाकर उसके भविष्य को निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार से हमारी शादी भी एक खास राशि चिन्ह से जुड़ी होती है और यही 12 राशि चिन्ह भी हमारी शादीशुदा जिंदगी में गहरा असर डालते हैं। जाने 12 राशि चिन्ह जो प्रभावित करते हैं आपकी मैरिड लाइफ। मेष राशि से संबंधित विवाह। यदि आपका विवाह 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आपका विवाह मेष राशि से प्रभावित विवाह है। मेष राशि के जातक रोमांच पसंद वाले होते हैं और कुछ गुस्सैल प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। ये लोग जो ठान लेते हैं उसे करके ही दिखाते हैं। कुछ इसी प्रकार की होती है मेष राशि से प्रभावित शादी। यदि किसी की शादी इस तारीख पर हुई है तो उनकी शादी में रोमांस, अचानक होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं, जैसे अचानक कुछ भी नया हो जाना, इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगी रहती हैं। इतना ही नहीं, इनका साथी कब किस मूड में आ जाए यह कहना भी बहुत मुश्किल होता है। वृषभ राशि से संबंधित विवाह। 20 अप्रैल से 20 मई के बीच होने वाले विवाह वृषभ राशि से प्रभावित होते हैं। जो लोग अपने जीवन में अच्छा रोमांस और प्यार भरी जिंदगी चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बेहद अच्छा होता है। जी हाँ, वृषभ राशि से प्रभावित इस तारीख की शादी सबसे ज्यादा रोमांटिक जोड़ों के लिए मानी जाती है, क्योंकि इन तारीखों और महीनों में किया गया विवाह प्यार और वासना से भरे ग्रह शुक्र से जुड़ा होता है। मिथुन राशि से संबंधित विवाह। 21 मई से 20 जून इस बीच होने वाले विवाह मिथुन राशि से प्रभावित होते हैं। इन महीने में की गई शादी सफल और असफल दोनों ही हो सकती है। जिस तरह से मिथुन राशि अपने आप में दो तरह के स्वभाव को दर्शाती है, उसी तरह से मिथुन राशि से प्रभावित शादियों के परिणाम भी होते हैं। यदि इस महीने के भीतर हुई शादी में लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक जरूरत से ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो या बिल्कुल ही चुप रहने वाला हो तो विवाहित जीवन में थोड़ा बहुत परेशानियां हो सकती है। कर्क राशि से संबंधित विवाह। 21 जून से 22 जुलाई तक के बीच होने वाली शादी कर्क राशि से प्रभावित होती है। कर्क राशि अपनी भरपूर जिम्मेदारी और प्यार के लिए जानी जाती है। इस शादी में पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। ये लोग घर परिवार की मूल जरूरतें, उनकी खुशी, बच्चों की खुशी का ध्यान रखते हैं और आने वाले भविष्य को मजबूत बनाने वाले होते हैं। सिंह राशि से संबंधित विवाह। 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के बीच होने वाली शादी सिंह राशि से प्रभावित होती है। सिंह राशि सभी राशियों में सबसे अधिक शक्तिशाली राशि चिन्ह होती है और इसी तरह से मजबूत होती है इस राशि की शादी भी। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर पूरी तरह से समर्पित रहना, प्यार और महंगी चीजों के प्रति दोनों का आकर्षण इन राशि वालों के लक्षण होते हैं। कन्या राशि से संबंधित विवाह। 23 अगस्त से 22 सितंबर तक के बीच होने वाले विवाह कन्या राशि से प्रभावित होते हैं। इस राशि से प्रभावित जोड़े बहुत ही संवेदनशील जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग मिलकर हर परिस्थितियों का सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इस राशि के वैवाहिक जोड़े हमेशा एक दूसरे का साथ देने को तैयार रहते हैं। तुला राशि से संबंधित विवाह। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक के बीच हुआ विवाह तुला राशि से प्रभावित होता है। ये वैवाहिक जोड़े हर तरह से अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि तुला राशि ही नियंत्रित स्वभाव वाली होती है। इसलिए इनके जीवन में ना अधिक प्यार, ना अधिक झगड़े, ना अधिक परेशानियां और ना ही अधिक रोमांस होता है। इनके जीवन में हर चीज एक सीमित तक होती है। वृश्चिक राशि से संबंधित विवाह। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक के बीच होने वाले विवाह वृश्चिक राशि से प्रभावित होते हैं। इन महीने में होने वाली शादी के कपल्स की लाइफ में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और अक्सर इन लोगों के बीच पैसों को लेकर अधिक लड़ाई होती है। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है अगर ये एक दूसरे को अच्छे से समझ जाए तो। धनु राशि से संबंधित विवाह। 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के बीच होने वाला विवाह धनु राशि से प्रभावित होता है। ये सभी शादियों में सबसे अच्छी शादी कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही लोग जीवन के
हर पल को पूरे इंजॉय के साथ जीने वाले होते हैं और इनकी जिंदगी बड़ी ही संतुष्टि के साथ चलती है। मकर राशि से संबंधित विवाह 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक के बीच होने वाले विवाह मकर राशि से प्रभावित होते हैं। इस महीने में होने वाली शादी के जोड़े अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। इनके बीच प्यार रोमांस बहुत ज्यादा होता है और साथ ही ये अपने भविष्य को मजबूत करने के बारे में भी काफी सोचते हैं। कुंभ राशि से संबंधित विवाह 20 जनवरी से 18 फरवरी तक के बीच हुए विवाह कुंभ राशि से प्रभावित होते हैं। इस समय पर किए गए विवाह के परिणाम सभी से खास होते हैं। इन लोगों की जिंदगी काफी आराम भरी होती है, हर समय एक दूसरे को सरप्राइज देते रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। मीन राशि से संबंधित विवाह 19 फरवरी से 20 मार्च तक के बीच हुई शादी मीन राशि से प्रभावित होती है। इस महीने में विवाह करने वाले जोड़ों की जिंदगी काफी इमोशनल भरी होती है। ये एक दूसरे के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं और दोनों में से एक शादी में लिए गए वचनों को पूरी तरह से निभाता है, उसे समझता है और इनकी शादी सफल रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें।